बजट में क्या कुछ खास लगा? बजट में जैसे जो कि आम जनता और आम पब्लिक को रहता है, इनकम टैक्स स्लैब में चेंजेस, इनकम टैक्स स्लैब में चेंजेस आया है, पॉजिटिव स्टेप है। उससे बड़ी, सबसे बड़ी बात क्या है कि सिंप्लीफिकेशन की मोड के अंदर में हम लास्ट 70 साल से जो ये बजटिंग आ रही है सारी, हम लोगों ने पहली बार देखा है कि सिंप्लीफिकेशन की मोड पर जा रहा है। अब एक आम व्यक्ति अपना टैक्स कैलकुलेशन खुद करके ये बता सकता है कि मुझे कितना टैक्स देना है उस व्यवस्था के। पहले उनको वकील के पास जाना पड़ता था, उनको फीस देना पड़ता था, और ये चैम्बर की बहुत पुरानी डिमांड रही है कि हमें सिंप्लीफिकेशन में जाना है। इन्होंने एग्जेम्पशंस वाली चीजों को हटा करके टैक्स लेवल कम किया है। इट इज अ वेरी वेलकम स्टेप। और उद्योग व्यापार के अंदर पे हम लोगों ने, मैं ये महसूस करता हूँ कि बहुत माइन्यूट डिटेलिंग हुई है इस बार के अंदर में। जैसे रेलवे ट्रैक के किनारे में सोलार पावर का पूरा ग्रिड लाइन बैठाना, बैरन लैंड जो कि एग्रीकल्चर बैरन लैंड के अंदर पे सोलार वर्किंग करना, ये सब बहुत छोटी छोटी चीजें जो आज नहीं मगर 2 साल बाद इम्पैक्ट देगा और हिंदुस्तान को एक नया रूप में विकसित करेगा। इसके अलावा वेयर हाउसिंग के ऊपर में, एग्रीकल्चर वर्किंग के अंदर वेयर हाउसिंग के ऊपर में बहुत ज्यादा उन्होंने फोकस किया है। पीपीपी मॉडल के अंदर में हर एरिया के अंदर वेयर हाउसिंग खोलना है हम लोगों को। इसके अलावा दूध के ऊपर में उन्होंने अपने प्रोडक्शन को डबल करने की बात कही है और उसको अच्छा करने के लिए उन्होंने एक रेल, किसान रेल की व्यवस्था की है जिससे कि आप कहीं भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं चीजों को। ये सारी कुछ और बातें आनी चाहिए थी सरकार की तरफ से कि वो किस हमसे हैंड होल्ड करने वाले हैं कुछ डेप्ट। बजट एक तरह से क्या है ना, संतुलित बजट है। मध्यम वर्ग लोगों के लिए जो इनकम टैक्स का स्लैब दिया हुआ है उससे बेनिफिट मिलेगा बाजार में। लेकिन पूरा जो बजट था ना, ये बजार में एक्चुअल में तरलता लाने के लिए, लिक्विडिटी लाने के लिए। वो लिक्विडिटी से क्या होगा, ऑटोमेटिकली कंजम्पशन बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा, इससे जो जीडीपी का जो रेट है वो लोग 10% का अनुमान कर रहे हैं। इतना आसान नहीं है 10% आएगा, बट 7-8% का जीडीपी आने का अनुमान है। और जैसे लास्ट टाइम जो फिस्कल डिफिसिट जो 3.5 से 3.8% हो गया, तो डिफिसिट को भी कम करने का इसमें प्रोग्राम बना रहे हैं लोग, कोशिश कर रहे हैं कि उसे आएगा। बट इट्स नॉट लाइक कि बहुत आसान है रास्ता टफ है, बट लोगों ने अच्छी कोशिश की है। हर वर्ग को एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया इन्होंने, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया है, तो होपफुली इनको सपोर्ट मिलना चाहिए इससे। बहुत ही बैलेंस, बहुत ही इकोनॉमिक ग्रोथ ध्यान में रखकर के ये बजट बनाया गया है। इकोनॉमिक ग्रोथ नॉट ओनली इंडस्ट्री एंड ट्रेड, इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर एग्रीकल्चर, फॉर हेल्थ, सभी बातों को इसमें पूर्ण तवज्जो दी गई। मतलब बजट को हम किसी भी एंगल से अगर देखें तो प्रेजेंट इकोनॉमिक सिनेरियो में ये बजट बहुत ही अच्छा बैलेंसिंग बजट होगा। और एक अच्छी बात इतनी ये हुई है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया गया है। मतलब ये जितनी बातें अभी अनाउंस हुई हैं, ये ऐसा नहीं है कि सारा का सारा खर्चा सरकार को ही करना है। बहुत सारे डेवलपमेंट के काम जो हैं पब्लिक करेगी और गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप होगी। आफ्टर सर्टेन टाइम गवर्नमेंट विल बिकम द ऑनर, कुछ इस तरह का पब्लिक पीपीपी मोड में ये काम होता है। जहाँ तक सवाल आमतौर पर हम लोग सब देखते हैं कि भाई हम लोग को पर्सनली हमें क्या फायदा हुआ, डायरेक्ट बेनिफिट, तो डायरेक्ट बेनिफिट आज के दिन ऐसा होता है कि करीब करीब 15 लाख रुपए तक की आमदनी आम आमदनी हो गई। नया एंटरप्रेन्योर भी अगर जॉब पे जाता है तो उसको 15 लाख रुपए तक की सैलरी मिलती है। और सारे कैलकुलेशन से मेरे हिसाब, मैंने जो निकाला है, अगर किसी को 15 लाख की आय है और वो कुछ भी बचत नहीं करता है, कोई सभी का बेनिफिट नहीं लेता है, तो उसको 30,000 रुपये का नेट बेनिफिट है साल, 30,000। और अगर वो बचत करता है अपनी सेविंग स्कीम में जाता है तो उसको पुराने स्लैब में जाना पड़ेगा, पुराने स्लैब में जैसा लग रहा था वैसे ही लगेगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। Entry of institution and educational institution, it's very appreciable because development of women is ultimately development of society. So I think it's appreciable for women. And also entrepreneurship, because budget to focus on small and medium industry pe ye bahut acha hai. Hamara industry mein hum logo ko pata hai wo rain ka kitna issue hota hai. Abhi us pe focus kiya gaya hai ki thoda specific loan diya jayega, upper rate of interest laya jayega. It's very good. इस बजट से बहुत आकर्षक होने की संभावनाएं और एक्सपेक्टेशन हमें नहीं थी, लेकिन ये मिश्रित बजट है।
आम इंडिविजुअल्स के लिए जो टैक्स स्लैब में रहते हैं इसका बहुत अच्छा स्वागत है। ये मांग चैम्बर की तरफ से और हम लोग बहुत सालों से कर रहे हैं। इससे आम जन को नीचे के तबके को रिलीफ मिलेगी और पैसा बाजार में आएगा। कृषि के लिए अच्छे पॉजिटिव साइंस दिख रहे हैं सरकार के, वो भी स्वागत योग्य है। कुछ प्रोविजंस अच्छे हैं, स्वागत योग्य है। जीएसटी में सरकार खुद अपनी पीठ थपथपा रही है, जबकि उससे होने वाली परेशानियां उन्होंने नहीं स्वीकार की है। सरकार जीएसटी में बहुत जगह फेलियर रही, सैकड़ों करेक्शंस आए, लेकिन जो पेनल्टी क्लॉज थे जो नियमों में जिसके तहत सरकार ने पेनल्टी और फाइन वसूला, उनकी गलतियों से और कुछ व्यापारी के नहीं समझने की गलती से उस पर सरकार ने कोई रियायत नहीं दी। जबकि उस पर अगर सकारात्मक रूप होगा तो कुछ उन पेनल्टीज को कम किया था या सर्टन पीरियड के पेनल्टीज फाइन को रिवर्स करने का एक अच्छा मैसेज जाता है, क्योंकि सरकार की खामियों के चलते बहुत सी दिक्कतें ट्रेडर्स को भी है।